नमस्कार, फिनोल के लेक्चर नंबर 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम फिनोल्स की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस ऑफ फिनोल। रिएक्शंस ऑफ फिनोल, द रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स कैन बी स्टडीड इन द 3 पार्ट्स। जो फिनोल की रिएक्शंस हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वे रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, क्लियर, ये वाला बॉन्ड। सेकंड वे रिएक्शंस जिसमें कार्बन और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप ब्रेक होता है। और थर्ड वे रिएक्शन जो कि इस एरोमेटिक रिंग के कारण होती है। तो रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड एंड रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। इस लेक्चर में हम रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग को अगले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, क्लियर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। फिनोल्स कैन बी कन्वर्टेड टू ईथर्स थ्रू द विलियमसन सिंथेसिस। जिस प्रकार से हमने एल्कोहल्स में विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखा था, सेम वैसे ही रिएक्शंस फिनोल में भी होती है, क्लियर। यहाँ पर फिनोल में विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा भी हम ईथर का निर्माण करते हैं। जनरल रिएक्शन क्या होती है, ये देखो अपना फिनोल बेसिक मीडियम NaOH। जब फिनोल की रिएक्शन बेसिक मीडियम NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फिनोक्साइड आयन। यहाँ से ये OH- आयन इस हाइड्रोजन आयन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब सोडियम फिनोक्साइड जो बना यह एल्किल हैलाइड पर SN2 रिएक्शन देता है और हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर। मैकेनिज्म देखते हैं आगे। देखो द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाई SN2 मैकेनिज्म। द फिनोक्साइड आयन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड डिस्प्लेस हैलाइड और सल्फेट आयन। एग्जाम्पल्स आर, ये देखो आप, ये अपना फिनोल, फिनोल का जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाई तो OH- आयन इस फिनोल के हाइड्रोक्सी ग्रुप के जो हाइड्रोजन एटम है उसको ले लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ क्या प्राप्त होगा, सोडियम फिनोक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड आयन बना ये SN2 रिएक्शन के द्वारा इस हैलाइड आयन, इस एग्जाम्पल में तो हैलाइड आयन में SN2 रिएक्शन के द्वारा इस हैलाइड आयन को डिस्प्लेस करेगा और क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, ये वाला ईथर, क्लियर। इसी प्रकार ये सोडियम फिनोक्साइड आयन डाईमेथिल सल्फेट या कोई एल्काइल सल्फेट हो उसके साथ भी रिएक्शन करके क्या बनाता है, ईथर। रिएक्शन क्या कैसे होगी, यहाँ पर ये O- इस कार्बन पर टेक और ये OSO2CH3 बार, तो ये जो O- आएगा यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, सोडियम, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा ये वाला स्पीसीज और क्या प्राप्त हो जाएगा तुमको, एनिसोल, क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन, एस्ट्रीफिकेशन और ऑर्थो एसिटाइलेशन, क्लियर। फिनोल्स रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पिरिडीन और कंसेंट्रेट H2SO4 एंड यील्ड्स एस्टर, क्लियर। फिनोल की रिएक्शन जब एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पिरिडीन या कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एस्टर। एस्टिफिकेशन की रिएक्शंस भी अपन एल्कोहल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देखो कैसे होती है फिनोल की रिएक्शन, यहाँ पर जब मैकेनिज्म आगे देखेंगे अभी इसमें देखो आप, फिनोल की रिएक्शन एसिटिक क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH या पिरिडीन या कंसेंट्रेट H2SO4 तो क्या प्राप्त हुआ, एस्टर, क्लियर। सेम यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई तब भी एस्टर, ये एसिटिल क्लोराइड। अब आगे मैकेनिज्म देखो किस प्रकार से रिएक्शन होती है,
इन द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम क्या होता है, सबसे पहले जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये वाला आयन इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्लियर, और यहाँ पे क्या जाएगा ओपन नेगेटिव चार्ज, क्लियर। ये हाइड्रोक्साइड अपना फिनोक्साइड आयन ना, अब ये फिनोक्साइड आयन इस एसिटिल क्लोराइड या IX, अगर क्लोरीन है तो एसिटिक क्लोराइड, OCOCH3 है तो एसिटिक एनहाइड, और OH हो तो एसिटिक एसिड, क्लियर, या कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। अब होता क्या है कि ये पहले सबसे पहले देगा SN2 एडिशन रिएक्शन, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ। अब इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट पर ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने में, और ये X माइनस बाहर, तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक एस्टर। यहाँ पर X OH होगा तो एसिटिक एसिड यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किस प्रकार से होती है। अब देखो आप एसिडिक मीडियम में सबसे पहले इस कार्बोनिल ऑक्सीजन पर ये जो अपना ग्रुप है एसिटिक क्लोराइड हो, एसिटिक क्लोराइड हो, या एसिटिक एसिड हो, या एसिटिक एनहाइड्राइड हो, उसमें इस कार्बोनिल ऑक्सीजन पर सबसे पहले हाइड्रोजन प्रोटोनेशन होगा। एसिड का H+ देता है तो वो प्रोटोनेशन होने से अपन को क्या, ये ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा तो इस ऑक्सीजन में क्या जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण अब यह कार्बोनिल ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है, क्लियर, क्योंकि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, और अब ये जो कार्बन एटम है इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि AROH यानी फिनॉल, फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिनॉल एज न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और अपन को ये स्पीसीज प्राप्त होगी। अब यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए तो ऑक्सीजन में क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब आगे क्या होता है, इसी ऑक्सीजन में जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये H+ के बाहर, H+ के फॉर्म में बाहर, प्रोटॉन के रूप में बाहर हो जाएगा और अपन को ये स्पीसीज प्राप्त होगी। अब यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है या तो ये X+ जुड़ो या सीधा अपन इसका क्या कर सकते हैं X- के फॉर्म में बाहर, फिर X- से क्या जुड़ जाएगा H+ और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा एस्टर, क्लियर। आगे देखो बेंजोइलेशन, फिनॉल रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड टू गिव फेनिल बेंजोइट। फिनॉल की रिएक्शन जब बेंजिल क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है फेनिल बेंजोइट, क्लियर। सेम एस्टिफिकेशन रिएक्शन ही है लेकिन यहाँ पर क्या ले लिया बेंजिल बेंजोइल क्लोराइड। अब बात करते हैं रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड रिडक्शन। सबसे पहली रिएक्शन अपचयन, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक डस्ट गिव्स बेंजीन और एनएरिन, क्लियर। फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है बेंजीन। इसी प्रकार फिनॉल में भी रिड्यूस्ड टू बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड, क्लियर। फिनॉल का रिडक्शन जब निकल या मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड के 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या प्राप्त होता है बेंजीन। अब बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया प्रोड्यूस एनिलिन। फिनॉल की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है एनिलिन और H2O मॉलिक्यूल बाहर, क्लियर। यहाँ से फिनॉल का OH और NH3 का एक हाइड्रोजन बाहर निकल के क्या बना लेगा H2O। मैकेनिज्म, आप बात करें मैकेनिज्म की, यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन भी क्या होता है लोन पेयर तो ये आया जो न्यूक्लियोफाइल बेस न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर ये OH वाले इप्सो कार्बन जिस पर OH जुड़ा हुआ है कार्बन पर उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ से ये इस कार्बन पर अटैक बेंजीन से जिससे वह जुड़ा हुआ है और OH- बाहर, फिर यहाँ से जो प्रोटोन है वो इस OH- के साथ जुड़ के क्या बना लेगा H2O और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा एनिलीन। अब ऑक्सीडेशन, फिनॉल ऑक्सीडाइज इनटू पेरा बेंजो क्विनोन विद क्रोमिल क्लोराइड और सोडियम डाइक्रोमेट। फिनॉल की रिएक्शन जब क्रोमिल क्लोराइड या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4H2, ठीक है,
डाइल्यूट एसिड के ऊपर संचय करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पैरा बेंजो क्यूनोन। आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑन रिएक्शन विद एल्केली पोटेशियम पर सल्फेट गिव्स डाइहाइड्रिक फिनॉल बाय द ऑक्सीडेशन। पोटेशियम पर सल्फेट का फॉर्म होता है K2H2O8। के लिए क्या होता है K2H2O8। हाइड्रोक्सीलेशन अकर्स एट पैरा पोजिशन। एक पैरा पोजिशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड देन हाइड्रोक्सीलेशन अकर्स एट ऑर्थो पोजिशन। के लिए मोनोहाइड्रिक फिनॉल की रिएक्शन जब एल्किली पोटेशियम पर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो डाइहाइड्रिक फिनॉल प्राप्त होता है। जो हाइड्रोक्सीलेशन है वह पैरा पोजिशन पर होता है। अगर पैरा पोजिशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तब हाइड्रोक्सीलेशन ऑर्थो पोजिशन पर होगा। देखिए किस प्रकार से मैकेनिज्म होती है। ये अपना फिनोक्साइड आयन। क्लियर। फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन जब H2O2O8 पोटेशियम पर सल्फेट के साथ जब करवाते हैं तो किस प्रकार से रिएजमेंट होता है। देखो आप यहाँ से ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर इधर, फिर ये यहाँ पर माइनस चार्ज आता है। अब यहाँ पर ये इस पर टेक करेगा और ये वाला ग्रुप बाहर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाली स्पीसीज प्राप्त हो जाएगी। अब इस रिंग में यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है यह बाहर निकलता है और रिंग में क्या जाती है, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं यहाँ पर। क्लियर। और इस प्रकार से हमें ये वाली स्पीसीज प्राप्त होती है। अब यहाँ पर H3O+, क्योंकि H3O+ की प्रेजेंस में ऑक्सीजन में क्या जुड़ जाएगा, एच, और क्यूनोल डाइहाइड्रोक्सी फिनोल अपन को प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। फिनोल्स डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। फिनोल हेलोजन एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। जिस प्रकार से एल्कोहल्स में हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन होती थी उस प्रकार से फिनोल में रिएक्शंस नहीं होती है। ऑन रिएक्शन विद PX3 यानी PCl3 PBr3 फिनोल फॉर्म्स फॉस्फोरस एस्टर, वाइल विद PCl5 एंड PBr5 फिनोल रिएक्ट सिमिलर टू एल्कोहल, ऑल्दो यील्ड इज वेरी स्लो। लेकिन PCl5 और PBr5 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो फिनोल एल्कोहल की तरह ही रिएक्शन देता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट की यील्ड है वह कम प्राप्त होती है। अब फिनॉल रिएक्ट्स विद PCl5 एंड गिव्स क्लोरोबेंजीन इन द लेस क्वांटिटी, बट द मेन प्रोडक्ट इज ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्लियर। फिनॉल की रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाते हैं तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट एज अ मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और जो क्लोरोबेंजीन होती है वह माइनर प्रोडक्ट होता है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से रिएक्शन होती है। फिनॉल के फोर मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। इसकी रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाए तो क्लोरोबेंजीन और ट्राइफेनिल फॉस्फेट प्राप्त होता है। ये जो मैकेनिज्म है PCl3 PBr3 के साथ, ये हमने एल्कोहल में अच्छी तरह से डिस्कस किया, तो आप वहाँ मैकेनिज्म देख सकते हैं, सेम मैकेनिज्म यहाँ भी अप्लाई होगी। अब बात करते हैं विद FeCl3 सॉरी क्लोराइड। फिनॉल फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ स्पेसिफिक कलर ऑन रिएक्टिंग विद न्यूट्रल और वेरी वीक एसिडिक फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। क्लियर। फिनॉल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसका एक स्पेसिफिक कलर होता है। अब चूंकि इस कॉम्प्लेक्स का जब स्पेसिफिक कलर होता है तो यह रिएक्शन फिनॉल्स के एक लेबोरेटरी टेस्ट में भी काम आती है। क्लियर। फिनॉल की आइडेंटिफिकेशन में भी, कौन सा फिनॉल है। देखो, दिस रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई द फिनॉल। फॉर एग्जाम्पल, फिनॉल गिव्स वायलेट कलर, कैटेकोल गिव्स ग्रीन, रिसोर्सिनोल गिव्स वायलेट एंड पायरोगेलोल गिव्स रेड कलर विद द रिएक्शन ऑफ FeCl3। क्लियर। विद द रिएक्शन विद FeCl3 के साथ रिएक्शन करने से फिनॉल वायलेट कलर देता है, कैटेकोल ग्रीन कलर देता है, रिसोर्सिनोल वायलेट कलर और पायरोगेलोल रेड कलर देता है। इस प्रकार से हम फिनॉल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लेबोरेटरी मेथड से।
ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।